हेलो फ्रेंड्स मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन लेवल यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो एस एस का एग्जाम दे रखे हर एक कैंडिडेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एस एस का एक्सपेक्टेड कटअप डिस्कस करूंगा क्या एस एस का पार स्कोर रहने वाला है क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा कितनी कटअप जाने वाली है इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस बात को समझिए कि एस एस में जो आपके कुल फॉर्म अप्लाई हुए थे वो हुए थे आपके कुल छिहत्तर लाख जिसमें से दस लाख के अप्रॉक्स फॉर्म आपके रिजेक्ट हो गए अब फॉर्म बचे कितने छियासठ लाख यानी छियासठ लाख सीट पर एग्जाम हुए जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो अपियर नहीं हुए एग्जाम में यानी मान लेते हैं हम आपसे कि केवल दस लाख के कैंडिडेट अपियर नहीं हो एग्जाम में तो कुल आपके छप्पन लाख पे आपकी फाइट होगी ठीक है फ्रेंड्स छप्पन लाख कैंडिडेट अपियर होंगे ठीक है ये हो गई आपके फॉर्म के रिगार्डिंग डाटा और एपियरिंग के रिगार्डिंग फिर आपका जो एस एस का जो कटअप रहता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वैरी करता है स्टेट टू स्टेट वैरी करता है आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का यानी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का कटअप अलग जाता है फिर बॉर्डर से सटे डिस्ट्रिक्ट का कटअप अलग जाता है फिर नक्सल प्रभावी डिस्ट्रिक्ट का कटअप अलग जाता है इन द सेंस मैं कहने का तत्पर है मेरा कि जैसे जनरल डिस्ट्रिक्ट का यदि आपका कटअप गया सेवेंटी सिक्स तो बॉर्डर से सटे डिस्ट्रिक्ट का कटअप आपका सेवेंटी जाएगा और नक्सल प्रभावी डिस्ट्रिक्ट का आपका कटअप छियासठ जाएगा यानी जेनल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ छिहत्तर हो तो बॉर्डर से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ सत्तर जाएगा और नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ छियासठ जाएगा ये मैंने आपको एज आ एग्जाम्पल समझाया ठीक है फ्रेंड्स और आपका स्टेट वाइज भी कट ऑफ यह डिफ़र करता है जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सबसे टॉप मोस्ट जो आपका कट ऑफ जाता है वह आपका हरियाणा का जाता है उसके बाद उत्तर प्रदेश फिर बिहार राजस्थान पंजाब उत्तराखंड इस सीक्वेंस से आपके कट ऑफ वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट क्या आपके स्टेट टू स्टेट आपके कटअप इस सीक्वेंस में वैरी करते हैं तो आप देख लेना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो तो फ्रेंड्स मैं जो आपको कटअप बताऊंगा सबसे आपके टॉप मोस्ट स्टेट का कटअप बताऊंगा और जनरल डिस्ट्रिक्ट का कटअप बताऊंगा टॉप मोस्ट स्टेट बोले तो आपका हरियाणा हो गया उत्तर प्रदेश हो गया बिहार हो गया इन सब राजस्थान हो गया पंजाब हो गया उत्तराखंड हो गया इन सब का आपको एक एवरेज कटअप बताऊँगा ठीक है फ्रेंड्स एवरेज कटअप मैं आपको बताने वाला इसके अलावा फ्रेंड्स जितने भी आपके स्टेट होंगे उन सारे स्टेट का कटअप इससे आपको कम ही देखने को मिलेगा जो मैं आपको कटअप बताऊंगा उससे कम देखने को मिलेगा इसके अलावा जितने भी स्टेट होंगे सबसे टॉप मोस्ट स्टेट ये आपके स्टेट होते हैं जहां ज़्यादा कटअप जाने की संभावना रहती है और फ्रेंड्स इन सब स्टेट की मैं आपको जनरल डिस्ट्रिक्ट कटअप बताऊंगा जनरल डिस्ट्रिक्ट की यदि आपका डिस्ट्रिक्ट जनरल डिस्ट्रिक्ट में आता है तो आपके इतना पार्ड इसको लाना होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं और यदि आपका नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट आता है तो उससे कम में भी काम चल जाएगा बॉर्डर से सटे डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो उससे भी कम में काम चल जाएगा तो आइए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं अपने कटअप पर और हाँ फ्रेंड्स यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके रिगार्डिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो परीक्षा ऐप आप, आप सबों के ले लिए लेकर आया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज भारतवर्ष की किसी भी एग्जाम का बेहतरीन टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो परीक्षा ऐप को ज्वाइन करो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और फ्रेंड्स यदि आप हमारे कूपन कोड ई फिफ्टी को यूज़ करके उसके टेस्ट सीरीज़ को बाय करते हो तो आपको फ्लैट फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा जी हाँ फ्रेंड्स यदि आपको टेस्ट सीरीज तीन सौ की होगी तो आपको फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट होकर वह टेस्ट सीरीज आपको एक सौ पचास रुपये में मिल जाएगा हमारे ई फिफ्टी कोड को यूज़ करने से तो आइए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन पे कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले जनरल वालों की अगर बात करें तो जनरल वालों के लिए आपका जो रॉ मार्क्स रहना चाहिए वो रॉ मार्क्स आपका 76 से लेकर आपका 82 के बीच में आपका रॉ मार्क्स रहना चाहिए जनरल वालों के लिए रॉ मार्क्स सेवनटी से लेकर आपका एटी के बीच रॉ मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपका नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज होकर आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे यानी आपका कट ऑफ भी सेवेंटी से आपका एटी के बीच में रहेगा लेकिन रॉ मार्क्स आपके सेवेंटी से एटी के बीच में आने चाहिए वहीं अगर ईडब्ल्यू की बात कर ले तो ई की बात करते हैं तो आपको सेवेंटी से सेवेंटी फाइव के बीच में आपके रॉ मार्क्स आने चाहिए रॉ मार्क्स इन द सेंस कि आपका जो आंसर की रिलीज होगा उस आंसर की से आपके सत्तर क्वेश्चन सही होने चाहिए और जनरल वालों के कुल छिहत्तर क्वेश्चन सही होने चाहिए यदि छिहत्तर क्वेश्चन सही होते हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया लग के आपको पचासी के अप्रॉक्स पहुँचा दिया जाएगा जहाँ से आपका मेरिट भी बन जाएगा और आपका फिजिकल के लिए भी कटअप बन जाएगा यानी कि एक तो होती है आपकी फिजिकल के लिए एडमिट कराना उसके लिए सिर्फ कटअप पार करने की आवश्यकता होती है लेकिन मेरिट के लिए आपको थोड़े से और ज़्यादा नंबर चाहिए तो आपको छिहत्तर से बसी अगर रॉ मार्क्स आते हैं तो आपके अच्छे नंबर हैं आप आराम से फिजिकल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो और आपके फिजिकल भी होंगे मेरिट भी होगी वही अगर ओ की बात करें तो ओ वालों को आप जनरल वालों के साथ कैटेगरी में रख सकते हो यानी कि आपके इसके लिए केवल चौहत्तर से लेकर आपको इसके लिए अस्सी के बीच आपके रॉ मार्क्स लाने होंगे तो आप ओ कैटेगरी से मेरिट भी क्वालिफाई कर जाओगे एस की अगर बात करें तो एस की सिक्सटी से लेकर आपके सिक्सटी से लेकर हम सेवेंटी की बात करते हैं भाई एससी एस, की आपकी 66 से 72 और एसटी की भी भाई 66 के अप्रॉक्स में आपकी 66 से 72 के अप्रॉक्स में आपके कट ऑफ जाने की संभावना है दरअसल यह 72 जो आपका एससी एसटी के लिए है यह आपका एक मैंने क्राइटेरिया दिया एवरेज बीच में दिया लेकिन आपके जो मार्क्स रहेंगे वह इसमें सिक्सटी सिक्स के बीच में ही रहने वाले हैं सिक्सटी सिक्स सेवेंटी के अंदर ही आपके रॉ मार्क्स रहेंगे तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर पाओगे वहीं अगर एक सर्विस मैन की बात करें तो एक सर्विस मैन वाले को आपको कम से कम सिक्सटी नंबर तो लाने ही होंगे तो ही आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे और यदि इन सब को हटाओ और फीमेल की बात करो तो फीमेल की बात करो तो आप सब में से दस नंबर को माइनस कर सकते हो दस नंबर को माइनस कर दोगे तो सब जिस कैटेगरी से फ़ीमेल

ई डब्ल्यू एस के लिए सत्तर से आपके बता बात कर ले पचहत्तर के बीच ओ बी सी के लिए आपको बात कर ले छिहत्तर से छिहत्तर तक अस्सी तक में आपको मैं बता दूं आपको मैंने यहाँ पर चौहत्तर से अस्सी बताया है ठीक है फ्रेंड्स एस टी के लिए छियासठ से बहत्तर फिर एस टी के लिए इस वी के लिए भी छियासठ से बहत्तर फिर आपके एक सर्विस मैं के लिए साठ आपकी कटअप जाएगी और फीमेल के लिए हर कैटेगरी से दस नंबर आप माइनस कर दो तो उसके राउंड फिर उन्हें फीमेल की कैटेगरी रहती है तो फ्रेंड्स ये थी आपकी एस एस की एक्सपेक्टेड कटअप जो कि मैंने आपको बताई कटअप आपको इसी के नज़दीक देखने को मिलेगी मेरी आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे एजुकेशन और यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम